हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग डेटा कलेक्शन का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जो है सेकेंडरी डेटा। लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग देखेंगे सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो जब भी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल होती है और रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए उसको एज इट इज पिकअप करता है, तो उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। मतलब किसी दूसरे रिसर्चर ने वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की थी और वो इंफॉर्मेशन को हम लोग हमारे रिसर्च के लिए कॉपी कर रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी डेटा बोला जाता है। तो यहाँ पे रेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर सपोज किसी कंपनी का हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कंपनी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और विजिट करके वहां से उनके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एनालिसिस करके वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया है, रेडीली उनकी इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे अवेलेबल थी, वो डाउनलोड किया और उसको एनालिसिस किया। सो इसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी डेटा के कौन से सोर्सेस होते हैं। तो पहला सोर्सेस है इंटरनल सोर्स। ना इंटरनल सोर्स में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कंपनी के विद इन ही अवेलेबल होता है। मतलब रिसर्चर को कंपनी के अंदर से ही सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है मिल जाता है या डेटा मिल जाता है, जहां पे डेटा जो है वो इजिली और क्विकली कंपनी के ओल्ड रिकॉर्ड में से या ओल्ड फाइल में से अवेलेबल हो सकता है। अभी कहाँ कहाँ से सेकेंडरी डेटा जो है कंपनी के इंटरनल सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है, तो जिसमें सबसे पहले है कंपनी का जो ओल्ड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होता है या करस्पॉन्डेंस होते हैं वहां से, या कंपनी के जो सेल्स इनवॉइस है, सेल्स फोर्स का रिपोर्ट है, मतलब सेल्समैन का जो रिपोर्ट है वहां से, या कंप्लेंट एनालिसिस है वहां से भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन कंपनी का अकाउंटिंग डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्रोडक्शन का स्टैटिस्टिक, डिपार्टमेंटल बजट या रिपोर्ट जो होते हैं, देन कंपनी के जो ओल्ड रिसर्च या सर्वे रिपोर्ट होते हैं, या कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट का जो पीरियोडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वहां से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो ये सारे कंपनी के इंटरनल सोर्सेस है सेकेंडरी डेटा के लिए। अभी ये जो सेकेंडरी डेटा होता है काफी ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, मतलब इसमें ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि कंपनी का जो ऑलरेडी अवेलेबल रिकॉर्ड है उसमें से ही इन्फॉर्मेशन को पिकअप किया है, तो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। प्लस ये जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रिसर्च के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल भी होता है। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इजिली अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग क्विकली रिफर कर सकते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, बाहर से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। नाउ कंपनी सबसे पहले क्या करती है, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा को यूज करती है, पर काफी बार ऐसे हो सकता है कि इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है या फिर वो एडेक्वेट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, एक्सटर्नल सोर्स को यूज करती है। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेस कौन से हो सकते हैं जहां से कंपनी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करती है। तो पहला है ट्रेड जर्नल्स। तो कुछ ऐसे ट्रेड जर्नल्स होते हैं जो रेगुलरली पब्लिश किए जाते हैं और जिसके अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ना ये जो ट्रेड जर्नल्स है ये लोग क्या करते हैं, काफी सारी कमर्शियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। और कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो खुद ही सर्वेस कंडक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को पब्लिश करते हैं। ये जो कंपनीज है ये जर्नल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंपनी को जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो जर्नल्स वाले जो है वो उनको सप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि बिजनेस टुडे, बिजनेस इंडिया, इवन जो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है, इसके अंदर काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक मैटर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ट्रेड जर्नल एक सेकेंडरी डेटा का सोर्स हो सकता है। दूसरा है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। नाउ सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में क्या होता है कि कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोग खुद डेटा को कलेक्ट करते हैं और जिनको भी वो डेटा चाहिए रहता है वो सप्लाई करते हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग कुछ फीस चार्ज करते हैं। तो ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है और सप्लाई किया जाता है वो किसको सप्लाई करते हैं, तो उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्होंने उसका जो फीस भरा है उनको ये डेटा दिया जाता है। ना यहाँ पे भी क्या होता है कि जो भी कंपनीज होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो लोग ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से उनको कुछ फीस पे कर सकते हैं और उसके बदले में ये ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों को रेगुलरली इन्फॉर्मेशन जो सप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे indiastat.com ये वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है बिजनेस वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो कंपनीज को यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ता है, उनकी कुछ फीस होती है वो पे करनी पड़ती है, उसके बाद में वो कंपनी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। नाउ तीसरा सोर्स है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स। नाउ ट्रेड एसोसिएशन और चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में आपको पता है कि हमारे कंट्री के ट्रेड में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि
ट्रेड का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करते हैं और जो भी मेंबर्स है उनको सप्लाई करते हैं, जहाँ पे ये लोग के कुछ जर्नल्स, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ बुकलेट्स होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मेंबर्स को सप्लाई की जाती है। फिर बाद में ये जो ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, इनकी खुद की कुछ लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ट्रेड के रिलेटेड। तो जो भी मेंबर्स है, जो भी रिसर्चर्स है, ये लाइब्रेरीज को विजिट कर सकते हैं और उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो अपना एक जर्नल जो है पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर काफी सारा डेटा होता है नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जर्नल है जिसके अंदर टेक्सटाइल के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और एक पर्टिकुलर पर्सन है जो टेक्सटाइल के अंदर बिजनेस करता है, उसको जानना है कि कौन से कंट्रीज में टेक्सटाइल का कितना एक्सपोर्ट होता है, कौन से कंट्री में टेक्सटाइल का ज्यादा डिमांड है, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, क्या एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है, कैसे पैकिंग करना है गुड्स को। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सपोर्टर को मिलेगा, जिसके वजह से एक्सपोर्टर जो है वो अपना बिजनेस का डिसीजन ले सकता है कि कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करना है या किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्टर को डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो बिजनेसमैन होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग ट्रेड एसोसिएशन और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पब्लिश की हुआ पब्लिकेशन को रिफर कर सकते हैं और अपने बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला है पब्लिकेशन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ हमारे यहाँ के जो बैंक्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, उनके भी कुछ पब्लिकेशंस होते हैं या कुछ जर्नल्स वगैरह होते हैं, जिसमें से भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो होती है बिजनेस के लिए मिल सकती है। जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई जो है वो जर्नल जो होते हैं उसको पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमी का पूरा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मेंशन किया रहता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा रिलायबल होती है, बिकॉज खुद आरबीआई उसको पब्लिश कर रही है, उसके बेसिस पे भी रिसर्चर जो है वो अपना रिसर्च का डिसीजन ले सकता है, या कोई भी बिजनेसमैन है उसको अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन लेना है या फाइनेंस के बारे में डिसीजन लेना है तो ये पब्लिकेशंस को वो रिफर कर सकते हैं और अपने डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी रिकॉर्ड्स। ना बहुत सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं, वो लोग अपना एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसको पब्लिश करते हैं, उसके अंदर भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी रिसर्चर को काफी ज्यादा यूजफुल होती है। जैसे रिलायंस कंपनी का आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये उनका एनुअल रिपोर्ट है, तो उसके अंदर रिलायंस कंपनी के अलग अलग एक्टिविटीज मेंशन किए रहेंगे, तो ऑब्वियसली दूसरे बिजनेसमैन के लिए ये एक अच्छा बेस हो सकता है जिसपे से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या बिजनेस के आइडियाज वगैरह मिल सकती है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज। नाउ मुंबई, दिल्ली, ये सारे जो सिटीज है यहाँ पे काफी सारे स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज अवेलेबल है, और ये लाइब्रेरीज जो होते हैं इसके अंदर से रिसर्चर को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इवन हमारे यहाँ पे फॉरेन एम्बेसीज की काफी सारी लाइब्रेरीज है जहाँ पे काफी सारा डेटा जो है वो रिसर्चर को यहाँ पे मिल सकता है। जैसे एक पॉपुलर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि मुंबई के अंदर गोरेगांव में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये जो लाइब्रेरी है काफी ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पे काफी सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल है, काफी सारा डेटा अवेलेबल है। तो जो भी रिसर्चर है यहाँ पे आके ये जो लाइब्रेरी है उसके अंदर के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिफर कर सकते हैं अपने रिसर्च पर्पस के लिए। और लास्ट सोर्स है गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन। जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस है या दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज है, ये लोग भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो उसको पब्लिश करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेंसस रिपोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सेंसस रिपोर्ट को हर 10 साल में पब्लिश करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि रिसर्चर को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि किसी बिजनेसमैन को ये जानना है कि पर्टिकुलर एरिया का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो वो सेंसस रिपोर्ट को रिफर करेंगे और वो एरिया का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फाइंड आउट करेंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना के वहां पे वो लॉन्च कर सकते हैं। या कोई अकेडमिक रिसर्चर है जिसको पर्टिकुलर एरिया का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सेंसस रिपोर्ट को रिफर कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल एजेंसी से, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सारे जो एजेंसीज है इनके भी काफी सारे पब्लिकेशंस होते हैं और ये लोग ट्रेड, फाइनेंस या दूसरे जो भी इकोनॉमिक मैटर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर पब्लिकेशन को पब्लिश करते हैं, और ये भी रिसर्चर को काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो ये सारे थे अलग अलग सोर्सेज जहां से सेकेंडरी डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। ये मेरी URL है जहां से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इमेजेस लिए है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो पहला लिमिटेशन ये है कि प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जो सेकेंडरी डेटा होता है वो शायद तक एक्यूरेट नहीं हो।
जहां से भी हम लोग ने ये सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है उसका सोर्स जो है हमेशा हम लोग को चेक करना चाहिए। अलग अलग जो वेबसाइट्स होते हैं वो हमको अलग अलग डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, कि उसका कोई भी रेफरेंस वहाँ पे लिखा नहीं रहता है। तो कभी भी हम लोग डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो वो वेबसाइट को हम लोग को क्रॉस चेक करना चाहिए कि वहां पे कोई रेफरेंसेस दिया है कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। अगर रेफरेंसेस दिए हैं और वो रेफरेंसेस जो रिलायबल है तो वो डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं है तो ऑब्वियसली वो डेटा को हम लोग रिलायबल कंसिडर कर सकते नहीं है। जैसे कि अगर सपोज नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जिसको NIC बोला जाता है, यहाँ से हम लोग को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, या किसी भी वेबसाइट से जब आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो वेबसाइट के एंड में .org या .ac.in या .gov.in ये अगर वेबसाइट के एंड में रहेगा तो वो डेटा जो होता है वो ऑथेंटिक माना जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन जो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना जरूरी होता है। और ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करना है, तो वो जो वेबसाइट है उसके पेज पे एंड में कहीं पे भी रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी लिखा है क्या, उससे आपको पता चलेगा कि ये डेटा कहाँ से आया है। अगर कोई भी रेफरेंसेस नहीं दिया है तो डेफिनेटली वो सोर्स जो ऑथेंटिक नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि NIC या जिस वेबसाइट का एंडिंग .gov.ac.in ये होता है, वहां से अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो डेटा जो होता है वो ऑथेंटिक होता है। नाउ सेकेंड लिमिटेशन इज आउटडेटेड डेटा, मतलब सेकेंडरी डेटा जो होता है काफी ओल्ड और काफी ज्यादा आउटडेटेड हो सकता है। इसकी वजह से रिसर्चर को जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है। नाउ अगर हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो उनके वेबसाइट पे हम लोग देख सकते हैं कि काफी सारा जो उनका डेटा होता है वो आउटडेटेड होता है। इवन वो लोग जो पब्लिकेशंस वगैरह पब्लिश करते हैं उसके अंदर भी काफी ज्यादा ओल्ड डेटा होता है। तो अगर रिसेंट डेटा रिसर्चर को चाहिए तो वो सेकेंड डेटा में काफी बार अवेलेबल होता नहीं है। अगर सपोज 2-3 साल पुराना अगर डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफी बार हम लोग देखते हैं कि 1990s या 2000s उस टाइम का डेटा होता है, तो 10 साल 15 साल 20 साल पुराना अगर डेटा होता है तो वो डेटा जो होता है रिसर्च के लिए कुछ भी काम का होता नहीं है। उसकी वजह से रिसर्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अच्छे होते नहीं है या प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। तो रिसेंट डेटा होना जरूरी है और सेकेंडरी डेटा के अंदर रिसेंट डेटा कलेक्ट करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। थर्ड है इनसफिशिएंट डेटा। नाउ कभी कभी क्या होता है कि डेटा जो है एक्यूरेट है, रिलायबल है, लेकिन डेटा सफिशिएंट नहीं है। वो जो इनसफिशिएंट डेटा है उसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो सकता है। सो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो हमको कंप्लीट डेटा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर रिसर्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फोर्थ लिमिटेशन इज प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग। काफी बार सेकेंडरी डेटा जो होता है काफी ज्यादा जनरल और काफी ज्यादा वेग होता है, वेग मीन्स कंफ्यूजिंग होता है, जिसके वजह से कंपनीज को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आता है। अब ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्यों आता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि सेकेंड डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है, इनसफिशियंट हो सकता है, अनरिलायबल हो सकता है। तो इनएक्यूरेट, इनसफिशियंट और अनरिलायबल सेकेंडरी डेटा की वजह से यहाँ पे कंपनी को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। और ऐसा डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से हमारा आउटकम जो है रिसर्च का वो पुअर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ स्पेसिफिक डेटा। नाउ सेकेंडरी डेटा जो होता है वो जनरल होता है और रिसर्चर जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा सर्च करते रहता है जो रिसर्चर को सेकेंडरी डेटा में नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक रिसर्चर है, उनको लोगों की डिस्पोजेबल इनकम फाइंड आउट करनी है, मतलब सारे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद में लोगों के पास कितना इनकम बचता है, लेकिन उसको सेकेंडरी डेटा जो मिला है वो सेकेंडरी डेटा के अंदर ग्रॉस इनकम है लोगों का। ओके, तो उस केस में क्या हो रहा है कि रिसर्चर को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो मिला है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक नहीं है, उसको डिस्पोजेबल इनकम चाहिए सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में क्या लोगों की इनकम है, लेकिन उसको ग्रॉस इनकम मिल रहा है जिसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज बायसनेस। नाउ सेकेंडरी डेटा जो होता है इसके अंदर बायसनेस हो सकता है, बिकॉज ये डेटा जो है किसी और ने कलेक्ट किया है और इसकी वजह से जरूरी नहीं है कि जिसने भी ये डेटा कलेक्ट किया है उसने वो डेटा प्रॉपरली कलेक्ट किया हो। कभी कभी उसने वो बायसनेस से वो डेटा कलेक्ट किया है, मतलब वो रिसर्चर जो है उसने वो प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं किया है या उसको प्रॉपरली प्रोसेस करके एनालिसिस नहीं किया है। अगर सपोज किसी भी बायस डेटा को हम लोग हमारे रिसर्च के लिए यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे रिसर्च का क्वालिटी जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज लेस फ्लेक्सिबल, मतलब सेकेंडरी डेटा जो होता है बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उसको रिसर्चर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकता है। प्राइमरी डेटा जो होता है उसको रिसर्चर क्या कर सकता है कि अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है,
या मॉडिफाई कर सकता है और वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो वहां पे रिसर्चर के पास फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है, लेकिन सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर के पास फ्लेक्सिबिलिटी का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। जैसा डेटा है वैसा ही यहाँ पे रिसर्चर को वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। और लास्ट लिमिटेशन है नॉट सुटेबल फॉर सर्टन रिसर्चेस, मतलब कुछ ऐसे टाइप के रिसर्च होते हैं जहां पे सेकेंडरी डेटा जो सुटेबल नहीं होता है, वहां पे रिसर्चर को रिस्पोंडेंट को फेस टू फेस मिलना पड़ता है, कन्वर्सेशन करना पड़ता है और उनसे डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर सपोज हम लोग को किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करना है किसी नए प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां पे सेकेंड डेटा काम नहीं करेगा। हम लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट करना पड़ेगा। या हम लोग को हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर का ओपिनियन जानना है, तो उसके लिए हम लोग को प्राइमरी डेटा की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे कुछ रिसर्च है जहाँ पे सेकेंड डेटा यूज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो वहाँ पे यूजफुल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी डेटा। ये मेरी URL है जहाँ से मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।